हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आपका बहुत बहुत स्वागत है मॉम एंड मिश्री चैनल में। और ये आज दिन का खाना बन रहा है, मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ और कीमा मटर आलू बना हुआ है। तो मुझे तो किचन में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, नई नई रेसिपी ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए मेरे पराठे और कीमा मटर आलू। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हाउस हेल्पर नहीं आ रही हैं, तो खुद ही यूटेंसिल्स हमें क्लीन करने पड़ते हैं। वैसे मुझे बर्तन धोना बहुत अच्छा लगता है। आप एक ही जगह पे खड़े रहो और बस क्लीन करते रहो। और पता है क्या, शादी से पहले हम लोगों के घर में स्टील के बर्तन यूज़ होते थे, मतलब कि प्लेट एंड कटोरी ग्लास। लेकिन ससुराल में आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे क्रॉकरी के प्लेट्स एंड कटोरी में खाते हैं एंड ग्लास में। तो अभी मेरी ये आदत छूट गई है, तो अभी मुझे स्टील के बर्तनों में खाना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि अब थोड़ी आदत सी बन गई है। बट क्रॉकरी के बर्तन को धोने में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होता है। और ये तरबूज रखा था कई दिनों से, तो मैंने सोचा आज काट लूँ इसे। और एक बार आप फ्रूट्स काट लीजिए और बॉक्स में बंद कर दूँ तो आसानी से खाया जाता है, क्योंकि जब इसे काट के खाने की बारी आती है ना तो सबसे ज़्यादा आलस आता है। पर कटे रहें तो खाने का मज़ा ही कुछ और है। और अब मैं इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ, ये एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं, रात तक ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जब भूख लगती है तो थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स खाते रहते हैं। और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ। और ये मैं आ गई अपने बेडरूम में। और ये बिस्तर मॉर्निंग में भी सही किया था, बट मेरी बेटी फिर से सोई थी और खेल रही थी तो फिर से ख़राब हो गया। तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे बार बार जब बिगड़ जाता है, तो मैं सही कर देती हूँ। और पता है क्या, मुझे साइड में बैठ करना अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ी सी जगह रखती हूँ, क्योंकि बेडशीट को सही करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो थोड़ी सी भी अगर जगह हो तो बेडशीट आराम से लग जाती है। और अब मैं मेरी बेटी मिश्री के कपड़े ले आई तो उन्हें तह करके रख रही हूँ उसके ड्रॉर में। छोटे छोटे कपड़े बड़े क्यूट लगते हैं ना। और मिश्री के पजामे में बेड के पीछे रख देती हूँ, जैसे कि रात में चेंज करने में आसानी रहती है। अभी जब अलमीरा खोली तो मुझे ये बॉक्स मिला, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ। ये मैंने शादी से पहले ख़रीदा था और बहुत ही सस्ता है ये, सिर्फ 200 रुपये का। आपने सुनी आवाज़, इसमें से गाय की आवाज़ आती है। ये मेरे हस्बैंड गए थे स्विट्ज़रलैंड तो वहाँ से लेके आए। इसमें वैक्यूम बनता है तो ऐसा लगता है कि गाय बोल रही है। और यहाँ मैं अपना लैपटॉप चार्ज कर रही हूँ, उसकी बैटरी लो हो गई थी। और ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ मैं, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखती हूँ, उसी से बैटरी लो हो जाती है। इसी बीच थोड़ा सोचा कि फ़ोन में देख लूँ क्या किसी का मैसेज तो नहीं आया है, और याद आया कि कपड़े धुल गए हैं तो चलो सुखा देती हूँ। और कोरोना की वजह से बाहर कपड़े नहीं सुखा रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि 10 मीटर तक हवा में कोरोना के बैक्टीरिया रहते हैं, तो इसीलिए अंदर ही स्टैंड रखा हुआ है और इसमें सुखाते हैं। तो वैसे भी वॉशिंग मशीन में थोड़े तो सूख ही जाते हैं, तो एक रात में ये भी सूख जाते हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा।
चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।